होलिका ग्राउंड हल्द्वानी में भक्त प्रहलाद की नई मूर्ति लग गई है, विधि विधान के साथ उसको लगा दिया गया है। मैं हूं इस समय होलिका ग्राउंड में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के होलिका ग्राउंड से करते हैं। मंगल पड़ाव बाजार क्षेत्र में जो होलिका ग्राउंड जो नया बना है वहां से करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित हो गई थी। किसी जो यहाँ पर मजदूर था, काम कर रहा था, वो उससे गलती की वजह से मूर्ति टूट गई थी, खंडित हो गई थी, तो काफी बवाल मचा था। मैंने वीडियो बनाई थी और आपने भी देखा होगा। बाद में वो गलती से हो गया था, तो उसके बाद बवाल हुआ था, फिर उसके बाद नॉर्मली हो गया था। यहाँ पर जो आसपास जो ठेले उगरा थे वो सारे कुछ यहाँ से हटा दिए गए थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर भक्त प्रहलाद की मूर्ति यहाँ पर लग गई है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और एक ग्राउंड में जो होलिका जो ग्राउंड है यहाँ पर जो है मार्केट सज गई है। किस चीज की मार्केट? क्योंकि आने वाले समय में अभी दिवाली आने वाली है, तो लक्ष्मी, गणेश, शिव जी, पार्वती की सारी मूर्तियां यहाँ पर मिलेंगी आपको। 500-700 से स्टार्ट है और 5-7 हजार तक का जोड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। सारा कुछ बताते हैं और थोड़ा सा फ्रूट मार्केट भी आपको यहाँ से दिखा देते हैं। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना आप लोग। तो गाइस, बाहर का नजारा थोड़ा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर यही है सिंधी चौराहा। सिंधी चौराहे के जस्ट बगल में ये होलिका ग्राउंड है और यहाँ पर अभी अवैध पार्किंग लगी हुई है। पहले यहाँ पर ठेले लगते थे, जब से यहाँ पर एक बवाल हुआ, भक्त प्रहलाद की मूर्ति जो टूटी, उसके बाद से यहाँ से ठेले हटना चालू हुआ और अभी तक यहाँ पर ठेले नहीं लग रहे और आने वाले समय में भी यहाँ पर इसके चारों ओर ठेले नहीं लगेंगे। तो होलिका ग्राउंड का काम अभी और पूरा हुआ नहीं है, फिनिशिंग अभी इसकी बाकी है। सिर्फ गेट और अंदर का लगभग थोड़ा बहुत काम हुआ है और बाहर का अभी जो कलर वगैरह है और बोर्ड वगैरह जो लगेगा यहाँ पर, ऊपर में ये बोर्ड भी लगेगा, इसमें लिखा जाएगा होलिका ग्राउंड, वो अभी बना नहीं है। और इधर को देखें, ये पत्थर वगैरह लगे हैं और ज्यादा काम हुआ नहीं है। तो यहीं पर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक स्तंभ जो बाहर था उसी तरह का स्तंभ बनाया है और इसमें भक्त प्रहलाद की मूर्ति लगा दी गई है। ये देखिए, मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर ये भक्त प्रहलाद की मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई है। विधि विधान के साथ इसको पूजा पाठ करके बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसको लगा दिया गया है। ये है हमारे भक्त प्रहलाद, इस तरह की मूर्ति खंडित हुई थी, तो अब ये अंदर लग गई है इस पे, तो काफी बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो काम हम हो रहा है ये नया ही बनाया, ये अभी अभी बनाया है जो स्तंभ ना, ये इसी के लिए बनाया कि भक्त प्रहलाद जी को यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए, इसी के लिए यहाँ पर बनाया है। भक्त प्रहलाद की मूर्ति लग गई है, नई मूर्ति लगी है विधि विधान के साथ, और जो स्तंभ ये भी नया बनाया है। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ईटा वगैरह रखे है। तो यहाँ पर अपना दिवाली का जो मार्केट लगेगा मूर्तियों का, वो मार्केट यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए, कुछ दिन के बाद, ये दो चार दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। देखिए, ऊपर तक ये लगा रहे हैं और इसमें आपको माता रानी से लेके सारे भगवानों के यहाँ पर जो मूर्तियां जो है ना, वो अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगे। कितने से मूर्ति स्टार्ट है बाबू जी आपके वहाँ? कितने से मूर्ति स्टार्ट रहेंगे? मेरे मूर्ति भैया 50 रुपए से। 50 रुपए जोड़ा? 50 रुपए से कितने तक? वो तो आदमी के ऊपर, मतलब कितने तक है आपके पास? 4,500 रुपए, 5,000, 7,000, 7,000 लास्ट, 11,000 की भी है। अच्छा, 11,000। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप दो चार दिन में इनका सारा दुकान सेट हो जाएगा, तो लगभग 50 से स्टार्ट है और 11,000 तक की मूर्तियां आपको है। आप जो लेना चाहो ले सकते हैं। यहाँ पर दो पंडाल लगे हुए हैं, एक काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको तरह तरह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये देखे, कृष्ण भगवान और माता जी, गणेश जी, दुर्गा माता, सारे कुछ यहाँ पर आपको तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामान इनका लगभग पूरा आ गया है, परमिशन थोड़ा लेट मिली तो थोड़ा लेट लगा रहे हैं दुकान। ये देखे, पूरा सामान मूर्तियों का ही है। कुछ दिन के बाद आप यहाँ से मूर्तियां खरीद सकते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा बाहर का एरिया दिखाता हूँ, आप जल्द से जल्द लीजिए। अगर वैसे आपको मार्केट में मूर्तियां मिल जाएंगी, मगर आपको यहां से लेना है तो ले सकते हैं। अब यहां पर अवैध पार्किंग है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठेले नहीं है मगर अब गाड़ियां यहां पर लगी हुई है इधर उधर को, और यहां को फ्रूट मार्केट चालू हो जाता है। मार्केट में अभी इतनी भीड़ है कि अभी से बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, पूरा चलने की जगह नहीं है, अतिक्रमण तो पूछो मत। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रूट मार्केट वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेब चल रहा है 150 रुपए, 1.5 किलो 100 रुपए का भी चल रहा है और 100 रुपए का 1 किलो भी चल रहा है। केला 30 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट है, जो केला आप खरीदेंगे 30 रुपए से आपको यहाँ पर केला मिलेगा और 100 रुपए किलो सेब मिल जाएगा, 150 किलो भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रूट मार्केट में अब अतिक्रमण बहुत कम लग रहा है मेरे को। ये देखिए, आप आवाजाही यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए,
काफी खुला खुला लग रहा है। जब से यहाँ से ठेले हटे तब से यहाँ पर खुला खुला लग रहा है। तो एक चीज तो बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पर, जो यहाँ पर खुला खुला लग रहा है। अब ये रस्सी मार्केट है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है। ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर तक आप देखिए झाप पूरे बाहर तक आए हुए हैं और गर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए इतनी ज्यादा गर्दी देख रहे हो आप। मैं थोड़ा नीचे को जरा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी फ्रूट मार्केट है, पहले यहाँ पर फ्रूट मार्केट थी, अब यह काफी पीछे हो गई है। और ये साइड का होलिका ग्राउंड का जरा मैं एरिया दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको मसाले वगैरह मिल जाएंगे, मगर ये देखिए अंदर तक दिखा देता हूँ थोड़ा। आजकल यहाँ फूल वूल भी आपको लगभग यहाँ पे मिलना चालू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखो। तो इस तरीके से है यहाँ पर राशन मार्केट में, थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो ये हलचल है यहाँ की। ये देखिए यहाँ पर भी काफी गर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी आप। केला 30 रुपए दर्जन सर। अभी महंगा होगा सस्ता? मद्दा ठहरा, मद्दा जी, दुकानदारी नहीं ठहरी ना। हाँ, चलो ठीक है, 30 रुपए दर्जन सर। अच्छा केला ना अभी यहाँ पर 30 रुपए दर्जन, 30 रुपए दर्जन आपको केला मिल रहा है। त्योहारों का सीजन है, केला अभी सस्ता हो जाएगा, केला महंगा होगा नहीं। संतरे यहाँ पर आ गए हैं, एप्पल आपको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी एप्पल का सीजन है। जैसे जैसे यहाँ पर ठंडी बढ़ेगी तो एप्पल यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। अनार कैसे दादी? अनार 140 हो रहा है, ये बड़ा वाला अनार है। और यहाँ पर भी एक अनार है, ये देखिए, ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है अनार। ये देखिए कै रुपए किलो सर? 140 चल रहा भैया अनार। अभी देख रहे हो कितना बढ़िया सजाया। कहाँ का अनार है ये? नासिक से आ रहा है, मुंबई से, महाराष्ट्र से आ रहा है ये अनार यहाँ। और संतरे भी अभी आने चालू हो गए हैं, 100 के 1.5 किलो। कै रुपए किलो है? 100 का 2 किलो, 50 रुपए किलो। अच्छा मुझे लेना नहीं है, मैं रेट पूछ रहा हूँ। मीठा है ना? मीठा है ना? 3 किलो। अरे 100 का 3 किलो दे रहा है भाई, देखो देखो 100 का 3 किलो दे रहा हूँ भैया। भैया की शकल देख लो भैया, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, 100 के 3 किलो देंगे ये, बड़ा अच्छा है। हाँ ये कह रहे हैं 4 कर देंगे कह रहे हैं ये। यहाँ पर जैसे जैसे त्योहारों का समय आएगा तो यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, तो आप अवॉइड करें कि यहाँ पर गाड़ियाँ कम से कम लाएं, क्योंकि गाड़ियाँ लाएंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर चलने के लिए हो जाएगी, आपको परेशानी यहाँ से होगी। तो गाइज अभी वीडियो समाप्त करते हैं। एप्पल जो है 100 का 1.5 किलो है, 30 रुपए दर्जन यहाँ पर संतरा चल रहा है। होलिका ग्राउंड में मैंने आज आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से था, आसपास का एरिया भी दिखाया और कितनी गर्दी है। अतिक्रमण अभी यहाँ पर लगभग टूटना तय है और भक्त प्रहलाद की मूर्ति यहाँ पर लग गई है। बड़ी खबर थी और बड़ा अच्छा लगा, आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि भक्त प्रहलाद की मूर्ति जो है ना विधि विधान के साथ बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है। ट्रैफिक यहाँ पर काफी है, बहुत ज्यादा है। अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट रहता है सारा कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आज मेरा दिखाने का मकसद है भक्त प्रहलाद की मूर्ति आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि वो यहाँ पर लग चुकी है, अभी देख पा रहे होंगे। भक्त प्रहलाद की जय हो। तो इसी बाणी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर छोड़ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट होता है, बने रहना आप चैनल में।